हेलो फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा माइंड यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कॉमन सेंस डबल मीनिंग की एक और नई वीडियो आप सभी के सामने उपलब्ध है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके सामने तीन सवाल होंगे और प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए आपको सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल, किस देश के निवासी पेड़ पर रहते हैं? जी फ्रेंड्स, किस देश के निवासी पेड़ पर रहते हैं, ये एक जो क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। अगर आपको आंसर मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब हमें 5 सेकंड में जरूर दें। देखते हैं यहाँ पर आपके पास कितने नॉलेज है, कितना दिमाग है। अगर आपको मालूम है थोड़ा जल्दी करें, नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका सही आंसर। और अगर आपको मालूम नहीं तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, हम आपको हर क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर इसका सही जवाब है कांगो बेसिन के निवासी पेड़ पर रहते हैं जो अफ्रीका में है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको अगर पहले से मालूम होगा तो आप नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऐसा कौन सा महीना है जिसमें लोग सबसे कम सोते हैं? जी फ्रेंड्स, ऐसा एक महीना होता है जिसमें लोग सबसे कम सोते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो इसका जवाब भी आपको 5 सेकंड में ही देना होगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अधिक समय चाहिए आप लोग वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे जवाब का इंतजार करें। देखते हैं आपके पास कितनी नॉलेज है, अगर आपको मालूम है थोड़ा जल्दी करें। चलिए, यहाँ पर इसका जवाब मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि लाइक करने में आपका कोई चार्ज थोड़ी लगेगा। भैया आपसे लाइक मांग रहे तो यार प्लीज लाइक करना तो जरूर दबा दिया करें। यहाँ पर इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, फरवरी का महीना है जिसमें लोग सबसे कम सोते हैं, क्योंकि जो फरवरी का महीना होता है वो होता है 28 दिन का या फिर 29 दिन का, इसलिए इस महीने में सबसे कम सोते हैं। मुझे पहले से मालूम था कि आपको यहाँ पर मिस्टेक होने वाली है, लेकिन मैं आपसे पहले ही बता रहा हूँ कि डबल मीनिंग का क्वेश्चन है। भैया इस तरह के क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में आ जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को जरा आप थोड़ा ध्यान से समझा करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है डबल मीनिंग के है, यहाँ पर बुरा मत मानना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ की लड़कियाँ सबसे ज़्यादा हॉट होती हैं? कहाँ की लड़कियाँ सबसे ज़्यादा हॉट होती हैं? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ही देना होगा और सही जवाब देना होगा। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए, यहाँ पर इसका जवाब मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, और अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन देखने के लिए। यहाँ पर इसका सही जवाब, कनाडा की लड़कियाँ सबसे ज़्यादा हॉट होती हैं। दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। रोजाना इसी तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा माइंड को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।